मंडरा रहा चक्रवाती तूफान का खतरा, 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार को बारिश हुई। ओडिशा के कई इलाकों में 2 दिन से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के कम 2-5 स्थानों पर 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां गंगीय क्षेत्र और उससे सटे बांग्लादेश के ऊपर चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2-4 घंटों के दौरान इस क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं। इसका प्रभाव आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और यनम में भी देखा जा रहा है। अगले 5 दिनों के दौरान गरज के साथ बारिश और 300 किलोमीटर प्रति घंटे तेज रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र IMD ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, झारखंड और उत्तरी ओडिशा के आसपास के क्षेत्रों पर स्थित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 5-8 किमी ऊपर तक फैला हुआ है और यह ऊंचाई के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर झुका हुआ है। इसके प्रभाव में अगले 2-4 घंटों के दौरान उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून तटीय आंध्र प्रदेश और यनम पर सक्रिय रहा है और रायलसीमा पर सबसे तेज रहा। उत्तरी और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, यनम तथा रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर अगले 2-4 घंटों के दौरान भारी बारिश होने का अनुमान है। उत्तरी और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, यनम तथा रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर अगले 5 दिनों के दौरान गरज के साथ बारिश और 300 किलोमीटर प्रति घंटे तेज रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं। इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, यनम तथा रायलसीमा में अधिकतर स्थानों पर अगले 7 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारे पड़ने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश के एलुरु, गुंटूर, NTR जिला, पालनाडु, पार्वतीपुरम, मन्यम, श्रीकाकुलम जिलों, रायलसीमा के अन्नामया जिले, चित्तूर, नंदयाल, तिरुपति, YSR जिले में पिछले 2-4 घंटों के दौरान भारी बारिश हुई। इसी अवधि में तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में कई स्थानों पर वर्षा हुई। झारखंड में आज की बारिश के बाद मिलेंगे ये संकेत, खुश कर देगा मौसम विभाग का अपडेट। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। बंगाल की खाड़ी में बनी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का तीव्र असर देखने को मिल रहा है। आज पूरे राज्य में 100 बारिश हो सकती है। रांची, बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड में फिर से बढ़ गया है। राजधानी रांची में बीते 2-4 घंटे में अच्छी खासी बारिश हुई। वहीं प्रदेश सबसे अधिक तापमान 3.1 डिग्री सरायकेला व सबसे कम तापमान 2-3 डिग्री चाईबासा में दर्ज किया गया है। सबसे अधिक वर्षा 61.25 मिमी बोकारो में दर्ज की गई। गुरुवार के मौसम की बात करें तो आज पूरे राज्य में अच्छी बारिश हो सकती है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का तीव्र असर देखने को मिल रहा है। साइक्लोन का खास प्रभाव आज पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। जबरदस्त बारिश की उम्मीद है। चूंकि डिफिशियंसी रेट सामान्य यानी पर आ चुका है, इस बारिश के बाद तक आ सकता है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है। बारिश का ब्लू अलर्ट। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज पूरे राज्य में अच्छी खासी बारिश देखी जाएगी। क्योंकि मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है तो आज 55 से 100% तक बारिश हो सकती है। वहीं वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी है, यानी बारिश का दौरान लोगों को खास सचेत रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा पूरे राज्य में बारिश का ब्लू अलर्ट है। जिलों का संभावित तापमान। आज के संभावित तापमान की बात करें तो देवगढ़, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में अधिकतम 3-2 व न्यूनतम 2-6 डिग्री, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, पलामू में अधिकतम 3-0 डिग्री व न्यूनतम 2-5 डिग्री, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला में अधिकतम 3-0 डिग्री व न्यूनतम 2-6 डिग्री और पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला में अधिकतम 3-3 डिग्री व न्यूनतम 2-6 डिग्री तापमान दर्ज किया जा सकता है। पिछले 2-4 घंटों में राज्य में अनेक स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वर्षा दर्ज की गई है। बीकानेर जिले में अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश सुल्तानपुर, कोटा में 6-0 और पश्चिमी राजस्थान के कोलायत, बीकानेर में 1-3 बारिश दर्ज की गई है। जयपुर, आज एक परिसंचरण तंत्र हरियाणा और आसपास के क्षेत्र के ऊपर और एक नया सिस्टम पूर्वी भारत के ऊपर बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन सक्रिय होने के साथ ही गंगानगर, पिलानी से होकर गुजर रही है। 7 अगस्त को भरतपुर और जयपुर संभाग के साथ ही शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश होने और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा और जयपुर जिलों में कहीं कहीं भारी और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की बुधवार को संभावना है। जोधपुर संभाग में आज से ही भारी बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है।
अब पूर्वी राजस्थान में बरसेंगे मेघ। पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश का दौर चलेगा। यह बारिश आगामी 5 दिन जारी रहने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 9 से 31 अगस्त पुनः मानसून सक्रिय होने के आसार हैं। इस बीच कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर आगामी 5 दिन जारी रहने की प्रबल संभावना है। आज का मौसम 8 अगस्त 2024 दिल्ली में होगी हल्की बारिश, पहाड़ों पर जमकर बरसेंगे बादल। जानिए वेदर अपडेट। मौसम न्यूज 8 अगस्त 2024 दिल्ली NCR में आज बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत देश के अन्य पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला अभी आने वाले कुछ दिनों तक रहेगा। आज का मौसम 8 अगस्त 2024 दिल्ली NCR में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज भी हल्की बारिश हो सकती है और आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली NCR में तेज हवाएं भी चलने की संभावना है, जिनकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। दूसरी ओर यूपी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है। दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली में 8 और 9 अगस्त को बारिश हल्की रहेगी, बादल छाए रहेंगे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। अधिकतम तापमान 3-3 और न्यूनतम तापमान 2.5 से 2.6 डिग्री तक रह सकता है। 1 से 2 अगस्त तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। इस दौरान घने बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान 2 से 3.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 2.5 से 2.6 डिग्री तक रह सकता है। वहीं 1-3 अगस्त को बारिश हल्की होगी, बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 3-3 और न्यूनतम तापमान 2-6 डिग्री तक रह सकता है। आज का मौसम 8 अगस्त दिल्ली में बारिश ने लोगों को दी उमस से राहत। बिहार के लिए मौसम विभाग का अनुमान। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में अगले 2 दिनों को लेकर बारिश का अलर्ट जारी किया है और फिलहाल यहां बदरा खूब बरस रहे हैं। आज का मौसम 8 अगस्त दिल्ली NCR में गुरुवार को भी बारिश देखने को मिली। सुबह कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के बाद दोपहर को झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार को भी सामान्यतया बादल छाए रहेंगे, गर्जन वाले बादल बनने एवं हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने के आसार हैं। IMD ने बताया कि अगले 4 दिनों तक दिल्ली में दिन का तापमान 3-0 डिग्री के नीचे और न्यूनतम तापमान 2-0 डिग्री सेल्सियस के नीचे रह सकता है। IMD के मुताबिक पंजाब, पश्चिमी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र और कच्छ में हल्की से मध्यम बारिश संभावना है। सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र और गुजरात में लगातार बारिश हो रही है, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। उधर हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश आफत का सबब बनी हुई है। कई जगहों पर बारिश के कारण मकान गिरने और जानमाल की हानि की खबर सामने आई है। आज का मौसम 8 अगस्त उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। आज का मौसम 8 अगस्त उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल और चंपावत जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। तेज बारिश होने की वजह से राज्य की 4-7 सड़कों पर आवागमन बंद है। आज का मौसम 8 अगस्त बुधवार को यूपी के 4 जिलों में अच्छी बारिश हुई थी। सबसे ज़्यादा बारिश मुरादाबाद में 8.2% हुई थी। इसके अलावा प्रयागराज में 7 mm बारिश हुई थी। प्रयागराज में गंगा और यमुना यानी दोनों ही प्रमुख नदियां उफान पर हैं और यहां 5 से 6 हज़ार घरों पर बाढ़ की आपदा का खतरा मंडरा रहा है। आज का मौसम 8 अगस्त मौसम विभाग का अनुमान है कि आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज